सातवें और आखिरी चरण का मतदान हुआ शुरू। इस दौरान वोट डालने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने मीडिया को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च या अक्टूबर और नवंबर में होने चाहिए चुनाव। देखिए, आज तो वोट का अंतिम दिन है, वोट हो जाएगा 23 तारीख को, जो गिनती होगी वो हो जाएगा, रिजल्ट 23 को आ जाएगा। तो 23 को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ना कोई बात करना चाहिए। ये तो संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है चुनाव प्रचार का काम समाप्त हो चुका है और अब जनता मालिक है, उनको जिन्हें वोट देना होता है वो वोट देते हैं। और इसमें बिना खुल करके क्या हम बोल रहे हैं, हम तो खुल ही करके बोल रहे हैं, लेकिन एक हम सुझाव देना चाहते हैं, जो मेरा इतने दिनों का अनुभव है, अगर आप पसंद करिए तो कहिए तो हम बोले। मेरा ये है कि इसके लिए एक सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए, जो मेरे दिमाग में जो बात है, और बहुत लोगों से भी हमने ऐसी ही बातचीत की है, आम लोगों से, सब लोगों की वही राय थी, वो यह था कि इतनी ज़्यादा गर्मी में ये इतना लंबा चुनाव का अभियान चलना ये उपयुक्त नहीं। ये जरूर अपने देश में या तो फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना चाहिए, और इतने चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए, कम से कम चरण में चुनाव होना चाहिए, ताकि लोगों को भी सुविधा होती है। अब इतनी गर्मी में हम लोग सब जगह गए मीटिंग किए, तो हम लोग तो कर ही रहे थे मीटिंग, और जब भी होगा तो करेंगे, लेकिन लोगों को भी बड़ी तकलीफ देखते थे हम लोग। और आज भी मतदान जो करते हैं तो आप देखते ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतदान केंद्र पर कोई लगा हुआ है शेड, और दिन भर मतदान करते हैं, लोग आते हैं अपना वोट डालते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर एक सहमति बननी चाहिए, और ऐसी एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी चुनाव हो अपने देश में, इसी दो समय में चुनाव के बारे में इसका समय निर्धारित करना चाहिए, और इतनी लंबी अवधि में, ये बहुत लंबी अवधि, और एक चरण से दूसरे चरण के बीच में इतना बड़ा गैप था। इतने चरण में चुनाव होना चाहिए? नहीं, इतना चरण कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आइडियल तो होता है एक चरण में चुनाव, लेकिन देश बड़ा है, अगर दो चरण हो जाए, कुछ अलग इलाके हैं तो तीन चरण कर लीजिए, कोई खास जैसे नॉर्थ ईस्टर्न है, कश्मीर का इलाका है, यानी पहाड़ियों से संबंधित इलाका है, वैसे इलाकों की बात है, कोई एक कर सकते हैं। लेकिन अब यही देखिए ना कि पहले चरण में अगर मान लीजिए 4 वोट हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, तो उसी किनारे और कंस्टिट्यूएंसी तो लिया जा सकता था। जो सोच रहे थे जिस आधार पर पहले चरण में, तो